Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about MSP, Minimum Support Price. And this topic is important from our syllabus GS Paper 3, Indian Economy Point of View. So, एक बार ज़रा डिटेल में समझते हैं अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ कुछ बेसिक जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के उसको देखते हैं। तो आज पर नीति आयोग द फार्मर्स इन इंडिया मेनली फेस टू चैलेंजेस। तो लो फार्मर इनकम के पीछे एंड एसोसिएटेड इशूज लाइक फार्मर सुसाइड एंड ऑल, इसके पीछे मेनली दो ही कारण हैं, क्रॉप फेलियर एंड मार्केट फेलियर। तो क्रॉप फेलियर happens because of wastage of crops due to poor monsoon या animal attacks. तो crop failure से बचाने के लिए farmers के लिए कई सारे schemes लेकर के आई है सरकार, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या irrigation schemes, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके भी दो component हैं, per drop more crop and हर खेत को पानी। तो basically water use efficiency and irrigation extensions to cover more and more area under irrigation facility, वो सब गोल हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। लेकिन मार्केट फेलियर क्यों होता है? मार्केट फेलियर का मतलब है when farmer does not get right price for his crop, he does not get adequate or reasonable price for his crop। और मार्केट फेलियर होता है बिकॉज ऑफ बम्पर प्रोडक्शन। अगर किसी कारण से किसी साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का, तो भी फार्मर्स के लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उस केस में प्राइस जो है वो क्रैश कर सकता है। तो उसको कहते हैं हम लोग मार्केट फेलियर, एंड दैट में लीड टू लॉस फॉर फार्मर्स। और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स को एक स्कीम लेकर के आई है सरकार, जिसका नाम है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। काफ़ी पुराना स्कीम है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम में कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जो सोइंग का टाइम रहता है किसी भी क्रॉप का, उसी वक्त अनाउंस कर देती है सरकार कि अगर मार्केट में आपको ये रीजनेबल रेट पे नहीं बेच पाते हैं आप ये क्रॉप को, तो हम खरीद लेंगे इसको एट दिस मिनिमम प्राइस। तो यू कैन से कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम MSP स्कीम इज अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें भारत सरकार प्राइस को लेकर के इंश्योरेंस दे देती है फार्मर्स को कि कोई और खरीदे ना खरीदे, इतने दाम में तो हम जरूर खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज दिया है यहाँ पे मैंने, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अगर MSP अनाउंस होता है 50 रुपीज़ पर KG, सो नाउ फार्मर्स आर सर्टेन कि या तो उनको 50 से ज़्यादा मार्केट में मिलेगा, वेल एंड गुड, अदरवाइज मिनिमम दे कैन फेच 50 रुपीज़ बाई सेलिंग देयर क्रॉप्स एट MSP टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो हर एक मंडी में उसका सेंटर होना चाहिए FCI का, और वो प्रोक्योर करता है MSP पे फार्मर से उनका क्रॉप। MSP अलग अलग क्रॉप्स के लिए कितना होना चाहिए, दैट इज अनाउंस्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स प्रपोजेस कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या होना चाहिए, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस करता है इनफैक्ट कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए कितना MSP होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस या डिसाइड्स कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए कितना MSP होना चाहिए। लेकिन एक और एक कमेटी है CACP, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्राइसेस, CACP, वो प्रपोज करता है। इस पर सवाल पूछा है UPSC ने, इसलिए मैं इस पर इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। CACP नाम की एक कमेटी है, वो प्रपोज करती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या MSP होना चाहिए, और CACP के रिकमेंडेशन को मानना है या नहीं मानना है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है ऑन कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यू कैन से कि CACP प्रपोजेस MSP ऑफ फूड क्रॉप्स, वाइल CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड्स एंड अनाउंसेस MSP। डिटेल में कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज रेमुनरेटिव फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए क्या एक फिक्स्ड इनकम, एक ठीक ठाक सा इनकम जो सरकार को उचित लगता है, वो भारत सरकार MSP के तौर पे फिक्स करती है। फर्स्ट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1967, उस टाइम में ₹54 पर क्विंटल, 100 KG जो वीट है उसके लिए ₹54 MSP फिक्स किया गया था। टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहे भारत सरकार, एंड नाउ यू सी
आज के रेट में वो है लगभग 1975, ये है 2020-21 का डेटा। तो 54 रुपीज़ पर क्विंटल से वो बढ़ करके आ गया है लगभग 2000 रुपये पर क्विंटल। एंड सेम इज़ द स्टोरी फॉर पैडी, इट वॉज 51 रुपीज़ इन 1970, नाउ इट इज़ 1868। एमएसपी आखिर डिसाइड कैसे होता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एमएसपी डिसाइड करने के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, CACP रिकमेंड करती है और अप्रूव्ड एंड अनाउंस बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आखिर ये CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कितना एमएसपी होना चाहिए? CACP के लिए एक क्राइटेरिया है जो वो फॉलो करते हैं एमएसपी डिसाइड करने के लिए। वो क्राइटेरिया है दैट एमएसपी शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर, यानी कि फार्मर का एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए जो भी कॉस्ट लगा है उसका 1.5 टाइम्स उसको मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी। यानी कि अगर कोई भी क्रॉप उगाने में उसको 50 रुपीज़ पर केजी का कॉस्ट लगता है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, पेस्टिसाइड सीड्स एंड ऑल, तो उसको कम से कम 75 रुपीज़ पर केजी का तो एमएसपी मिलना ही चाहिए। दिस 1.5 टाइम्स वाला फार्मूला हैज़ बीन रिकमेंडेड बाई कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, एमएस स्वामीनाथन कमेटी, और उस कमेटी के इस रिकमेंडेशन को मानते हुए CACP डिसाइड करती है कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या होना चाहिए एमएसपी। तो अब ये जब कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स होना चाहिए एमएसपी, तो कॉस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यू सी, कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग एमएसपी आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक को कहते हैं A2, दूसरे को कहते हैं A2 प्लस FL, और तीसरे को कहते हैं C2। तीनों में अंतर क्या है? देखिए, A2 मीन्स ऑल द कैश एंड इन काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स ऑन सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हायर्ड लेबरर्स, फ्यूल, इरिगेशन। तो फार्मर्स का जितना भी जेब से खर्च लगा है, चाहे सीड के फॉर्मेट में, फर्टिलाइजर या केमिकल्स, लेबरर्स के फॉर्मेट में, वो सब कुछ A2 में आता है। A2 प्लस FL होता है एक्चुअल कॉस्ट, A2 इज एक्चुअल कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू बाय अनपेड फैमिली लेबर। मान लीजिए कि आपकी फैमिली है 5 लोगों की और आप 5 लोगों ने भी खेतों में काम किया, अब वो तो आपको कॉस्ट के तौर पे दिख नहीं रहा है क्योंकि आप तो घर के लोग हैं, आपने अपने खेत में काम किया। आपको कॉस्ट दिख रहा है फर्टिलाइजर का, सीड का, बट अगर आप इन 5 लोगों के जगह पे अगर हायर्ड लेबरर्स रखते तो उसका कॉस्ट लगता ना। तो A2 प्लस FL, इसमें ये जो FL है इट इज़ द सपोज्ड, या आप कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू दैट द फैमिली मेंबर्स हैड दे बीन नॉट फैमिली मेंबर्स बट पेड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो वो जो कॉस्ट लेते वो ऐड कर दिया जाता है। एक एक तरीके का आप समझिए, नॉमिनल वैल्यू है, जो अज्यूम्ड वैल्यू है वो ऐड कर दिया जाता है कि ये है एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि ये तो जेब से लगा है A2, और FL जो है वो जेब से लगा नहीं है लेकिन उसके बदले में लोगों ने मेहनत तो की है फैमिली के लोगों ने। तो दैट इज A2 प्लस FL वाला कॉस्ट, विच इज़ एक्चुअल कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबरर्स। और तीसरा होता है C2। C2 इज A2 प्लस FL अलॉन्ग विथ रेवेन्यू फॉरगॉन ऑन ओन लैंड। आप सोचिए, अगर आप खुद की जमीन पर खेती कर रहे हैं तो जमीन का तो आपको रेंट देना नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन को रेंट पे लेकर के खेती करते तो आपको ज़मीन का रेंट भी देना होता, किसी दूसरे का ट्रैक्टर आप रेंट पे लेकर के इस्तेमाल करते तो आपको उसका भी रेंट देना होता। सो C2 इंक्लूड्स A2 FL प्लस, अगर आप अपने लैंड पे खेती कर रहे हैं तो वो भले रेंट आपको दिख नहीं रहा है, जेब से नहीं जा रहा है, बट यू प्रेज्यूम दैट वैल्यू कि अगर आप रेंट पे लेते तो वो भी पैसा देते, अगर आप ट्रैक्टर भाड़े पे लेते तो भी पैसा देते। तो वो भी कॉस्ट अगर जोड़ दिया जाए, कैपिटल असेट्स का भी कॉस्ट जोड़ दिया जाए, लैंड का भी रेंट जोड़ दिया जाए, तो दैट इज C2। अभी जब ये MS स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन लगाया जाता है फॉर डिसाइडिंग MSP दैट इट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ये वाला कॉस्ट लिया जाता है, A2 प्लस FL वाला कॉस्ट लिया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग MSP। करंट न्यूज देखते हैं। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने MSP अनाउंस किया है फॉर खारिफ सीजन क्रॉप्स। 22 से 23 क्रॉप्स ओवरऑल होते हैं, 14 के आसपास खारिफ सीजन के क्रॉप्स होते हैं, उसमें MSP अनाउंस किया सरकार ने और लगभग 7% का एवरेज इंक्रीज दिया है भारत सरकार ने MSP में। हर साल तो इंक्रीज देते ही हैं इन्फ्लेशन को निगेट करने के लिए, तो यहाँ पे 7% का इंक्रीज दिया है MSP पे।
किसी किसी क्रॉप में 5%, किसी में 10.5%, एवरेज 7% का इंक्रीज है। बट एज पर एनालिस्ट दिस इज हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में ये सबसे ज़्यादा एमएसपी पे इंक्रीज है। इस कारण से कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये जो एमएसपी का इतना मैसिव राइज दिया है भारत सरकार ने, वो अगले साल का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए दिया है। बेसिकली इलेक्शंस का पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरह इलेक्शंस के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स माना जा रहा है इस एमएसपी का स्टीप राइज को। लेकिन इस पे जस्टिफिकेशन देखा जाए तो कुछ ऐसा है कि इस एमएसपी के राइज से 7% का जो एवरेज हाइक है, इससे कोई फूड इन्फ्लेशन आने वाला नहीं है। अगर फूड इन्फ्लेशन आता भी है इस साल तो वो एल नीनो इफेक्ट के कारण आएगा। एल नीनो के कारण मॉनसून थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा इस साल, एल नीनो हैज स्टार्टेड, तो उस कारण से आ सकता है फूड इन्फ्लेशन। बट दिस पर्टिकुलर इंक्रीज इन एमएसपी इज़ नॉट गोइंग टू स्पाइक इन्फ्लेशन। दूसरा, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे भी कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं। तीसरा, ये जो 7% का एमएसपी इंक्रीज है, दैट विल बी जस्ट इनफ टू कवर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट कैन नॉट बी सीन एज ए सिग्नल ऑफ प्री इलेक्शन पॉपुलिस्ट बूस्ट फॉर रूरल कंजम्पशन। ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता एज पर द एनालिसिस गिवन इन दिस आर्टिकल। एमएसपी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी फॉर्म्ड फूड ग्रेन प्राइस कमिटी अंडर एल के झा, और फिर पहली बार एमएसपी अनाउंस किया गया इन द ईयर 1967। 1985 में कमिटी बनाई गई CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो हर साल उसके बाद से एमएसपी रिकमेंड करता है, और इसके रिकमेंडेशन के बाद CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एमएसपी को एक्सेप्ट करता है। एमएसपी से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2020 में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज सेइंग दैट नो नीड फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इट ब्रिंग्स परवर्स इंसेंटिव्स। तो क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वो जरा देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कहते हैं, अनंत नागेश्वरन साहब कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज नाउ गेटिंग इनटू एन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड मतलब अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल कीप ऑन मूव लाइक दिस इन ए स्टेडी मैनर। सो इसको कहा जाता है ऑटो पायलट मोड। CEA साहब का कहना है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब का कहना है कि अब इंडियन इकोनॉमी ऑटो पायलट मोड में जा रही है और 6.5 से 7% का ग्रोथ आप 2030 तक ऑटोमेटिकली देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने उसके अलावा कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया एनी वे इज़ ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी एंड इंडियन इकोनॉमी विल टेक केयर ऑफ द कंट्रीज एस्पिरेशंस एंड अननेसेसरी यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ब्रिंग परवर्स इंसेंटिव, मतलब अननेसेसरी फालतू के खर्चे कराएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो क्या होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पहले वो जरा देख लीजिए। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि हर आदमी के अकाउंट में एक फिक्स्ड सम हर महीने या हर क्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, चाहे वो अंबानी हो या कोई रिक्शा वाला हो या कोई गरीब आदमी, सबके अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हर क्वार्टर या हर साल जमा कर दिया जाए। दैट मीन्स अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर पॉलिसी वेयर ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए गिवन कंट्री रिसीव अ लीगली स्टिपुलेटेड एंड इक्वली सेट फाइनेंशियल ग्रांट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑल द सिटीजन्स। तो UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम के 4 कॉम्पोनेंट होते हैं बेसिकली। यूनिवर्सलिटी मतलब सब लोग इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। पीरियोडिक मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे ये हमेशा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वन टाइम ग्रांट होगा। इंडिविजुअलिटी यानी कि सारे इंडिविजुअल्स के अकाउंट में आएगा, ना कि किसी एक फैमिली मेंबर के हेड के अकाउंट में। अनकंडीशनलिटी मतलब देयर विल बी नो कंडीशन अटैच्ड फॉर कैश ट्रांसफर। तो बेसिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है, ये इमेज हमने लिया है। UBI इज नो वर्क येट यू गेट सम मनी, वाइल वर्क हार्ड कीप हाफ इज दिस रिप्रेजेंट्स टैक्सेशन। तो UBI का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने बहुत ज़्यादा इस आइडिया को स्टीयर अप किया था इंडियन इकोनॉमी के लिए। उस टाइम के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, जिन्होंने
इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 को ऑथर किया अरविंद सुब्रमण्यम साहब, उनका मानना था कि यूबीआई हैज़ पोटेंशियल टू लिबरेट सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इट मे गिव देम मोर चॉइसेस इन देयर लाइफ टू मेक डिसीजंस, स्पेशली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ। तो बेसिकली 2016-17 के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उस टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इट पिच्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ यूबीआई। इट सेड कि एवरी सिटीजन्स बेसिक नीड्स कुड बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड एंड यूबीआई कैन एक्ट एज एन एंटी पॉवर्टी स्कीम। तो उस टाइम के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वॉज इन फेवर ऑफ यूबीआई। मौजूदा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि नो, इट कैन लीड टू परवर्स इंसेंटिव्स या अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यूबीआई के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी रिडक्शन। भाई गरीबी थोड़ी सी कम होगी और इनइक्वालिटी कम होगी। अब आप सोचेंगे कि सर अमीर आदमी को देने का क्या मतलब है, अंबानी जदानी को देने का क्या मतलब है 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, इससे ज़्यादा तो क्या ही दे देंगे यूबीआई। देखिए अमीर लोग जो टैक्स भरते हैं उनके लिए यूबीआई का कोई मतलब ही नहीं। बेसिकली उनका थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ा दीजिए, हल्का सा पॉइंट समथिंग बढ़ा दीजिए, तो उनका ओवरऑल टैक्स अमाउंट या टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और उसी में से कुछ पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो मामला नलीफाई हो गया। तो अल्टीमेटली यूबीआई करने से अमीरों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई पॉजिटिव फ़ायदा नहीं होने वाला। दोज अमीर से यहाँ मेरा मतलब है दोज हु पे टैक्सेस, ओनली पुअर पीपल हु डोंट पे टैक्सेस उनके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा आएगा। तो दैट विल बी अ डायरेक्ट एडवांटेज फॉर देम एंड दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इट विल ऑफकोर्स गिव च्वाइस टू एवरी इंडिविजुअल कि भाई अपने हिसाब से पैसे खर्च करो। किसी को मान लीजिए स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है, किसी को स्टडीज़ में करना है, किसी को घर बनाना है, सब धीरे धीरे पैसे बचाओ। सो यूबीआई इज़ नॉट वन साइज फिट ऑल, बेसिकली सबको अलग अलग इंडिविजुअलिटी या ऑप्शंस देता है यूबीआई। रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, हर आदमी थोड़ा तो रिलैक्सड होगा कि चलो कुछ नहीं, ये पैसा अगले महीने आ जाएगा, जॉब रहे ना रहे ये पैसा मुझे मिलेगा, जिससे बेसिक खाने पीने के खर्चे तो निकल आएंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत सरकार इतने सारे स्कीम्स चला रही है पॉवर्टी एलिविएशन के, तो वेलफेयर के, अब उन सारे स्कीम्स में बहुत ज़्यादा खर्च होता है पैसा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना होता है, करप्शन के प्रॉब्लम होते हैं, करप्शन को रोकने के लिए फिर एक्स्ट्रा हमें लेयर बनाना होता है सर्विलेंस का, उसमें करप्शन के प्रॉब्लम होते हैं। तो बल्कि गवर्नमेंट सिस्टम, मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड लो लेस गवर्नेंस हो रहा है, जबकि गोल क्या है जी, मैक्सिमम गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, राइट। तो सरकारें या उनके इंस्टीट्यूशंस कम हों लेकिन बेनिफिट लोगों को ज़्यादा हो। अभी इतने सारे स्कीम जो हम चला रहे हैं गरीब लोगों के लिए अलग, तो स्वनिधि स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम, उन सबको हटा करके यूबीआई चला दो, इससे गवर्नमेंट को मैनेज करना भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करो अकाउंट में, इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करना उनकी ज़रूरत नहीं होगी। दैट विल हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, विल प्रिवेंट लीकेज एंड करप्शन। तो इतने सारे एडवांटेजेज हैं यूबीआई के, बट कुछ तो अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, निगेटिव आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूबीआई। तो सबसे बड़ा निगेटिव आर्ग्यूमेंट है वेस्टफुल स्पेंडिंग। लोगों के अकाउंट में पैसा डालेंगे आप, क्या ज़रूरी है कि वो नेसेसरी चीज़ों पे, यूजफुल चीज़ों पे खर्च करेंगे? क्या गारंटी नहीं है कि वो अल्कोहल टोबैको पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, राइट? क्या गारंटी है कि वो नहीं करेंगे? सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। दूसरा एक बड़ा डर है कि इट में डिक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल में बिकम लेजी, राइट? हर आदमी को कुछ तो पैसा मिल ही जाना है हर महीने, क्यों मेहनत करना है? नाउ लुक, गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट एज आवर पेरेंट्स कि आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, अदरवाइज इट विल ओवरऑल हैम्पर द इकोनॉमिक इकोसिस्टम एंड ओवरऑल गवर्नेंस। एवरी वन शुड राइज एंड टेक डिसीजन्स एंड बी अकाउंटेबल फॉर देयर ओन लाइफ, राइट? यू शुड नॉट डिपेंड कम्प्लीटली, एनी वन शुड नॉट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। एंड देन कैश इंड्यूस्ड जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी बढ़ सकता है। अभी परिवार में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को पैसे दिए गए 5,000 रुपये, हस्बैंड क्या है दोनों का पैसा ले लेगा, अपना तो लेगा ही वाइफ का भी ले लेगा क्योंकि पैट्रियार्की है ना सोसाइटी में, और फिर लेकर के वो शराब पी जाएगा। अभी इन काइंड जब ट्रांसफ़र किया जाता है, अभी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो हो सकता है कि हस्बैंड जो है पैसा लेकर के शराब पी ले क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन जब गेहूं दिया जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तो उसका लेकर के वो शराब थोड़ी बनाएगा,
राइट, फर्मेंटेशन थोड़ी करेगा उस राइस का. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया. तो इन काइंड जब ट्रांसफर्स किए जाते हैं तो दैट एक्चुअली हेल्प्स इन एड्रेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स लाइक माल न्यूट्रिशन और वीमेन एम्पावरमेंट. सिर्फ पैसा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एंड देन देयर वुड बी ह्यूज फिस्कल बर्डन. अभी बातें करना एक बात है कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच जाएगा, करप्शन कम होगा, लीकेज कम होगा, पैसा बचेगा, लेकिन रियलिटी में जब आप करने जाएंगे तो इट माइट बिकम अ वेरी क्यूम्बरसम प्रोसेस एंड इट माइट लीड टू मोर फिस्कल बर्डन. और इंडिया में कैसा है कि वंस यू ब्रिंग सम पॉलिसी यू कैन नॉट टेक इट बैक, राइट. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू वाइंड अप, क्योंकि एक बार लोगों को पैसे की आदत पड़ जाएगी फिर तो अगर पैसा वापस बंद करोगे तो लोगों को लगेगा कि हमारा पैसा छीन रहे हो तुम. दैट गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिटिकल करियर वुड बी ओवर. एंड ऑफकोर्स वेन यू पुट डायरेक्टली मनी इन द इकॉनमी दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी. कुछ लोगों का मानना है कि यूबीआई में लीड टू इनइक्वालिटी, बट ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा वैलिड है नहीं. मैंने लिख दिया है, बस आर्ग्यूमेंट है कि भाई अमीर को भी पैसा दे रहे हो, गरीब को भी पैसा दे रहे हो, तो इट दैट विल अमीरों को क्यों दे रहे हो, दैट विल लीड टू इनइक्वालिटी. बट ये आर्ग्यूमेंट पे दम नहीं है. अमीर से तो उसी से तो टैक्स लेकर के यूबीआई चला रहे हो, तो हाउ विल इट लीड इनइक्वालिटी. ट्रांसफर अब 10,000 रुपये देने से अंबानी अमीर थोड़ी हो जाएंगे, अदानी अमीर थोड़ी हो जाएंगे. सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ट्रांसफर ऑफ इनकम टू रिच विल कॉम्प्रोमाइज द आइडिया ऑफ इक्वल सोसाइटी वेयर रिच विल बिकम रिचर. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट. स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी बात है. देखिए, पैसा ट्रांसफर करके अगर स्टेट सोचता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन या लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने का, सो दैट वुड बी डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. सिर्फ पैसा दे देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को वास्तविक सेंस में उनको बेहतर हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड दें. Otherwise, what will happen? For basic services also, people will have to rely on their private service providers, and then private service providers will exploit people. The next article is about mission on advanced and high impact research, MAHIR. This topic is important from our syllabus, GS Paper 3, Indian Economy point of view, especially infrastructure. छोटा सा topic है लेकिन important है. Power sector आपका जो economy, mains economy है, उसमें अलग से infrastructure segment है, उसमें power sector के बारे में आप पढ़ते हैं. तो पावर सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल सेगमेंट. बिना पावर सेक्टर के तो कैसे ही बाकी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन कर सकता है. तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए स्कीम लाया गया है माहिर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड. इसका मेन गोल क्या है कि पावर सेक्टर के अंदर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं पूरे दुनिया भर में, उनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाए और इंडिया के जो पावर सेक्टर है उसको रिवॉल्यूशनाइज किया जाए. जो माहिर स्कीम है, इट विल बी अप्लाइड फॉर 4 ईयर्स, फ्रॉम 2023-24 टू 2027-28. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माहिर अगर देखा जाए तो आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर दैट हैव पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर, टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव ब्रेन स्टॉर्मिंग इन द पावर सेक्टर, सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी. तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा हो, छोटा पायलट प्रोजेक्ट, आई होप आप समझते हैं, पहले छोटे लेवल पे किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करके देखा जाता है कि उसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसको कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट. तो पावर सेक्टर से रिलेटेड सारे पायलट प्रोजेक्ट्स को अप्लाई किया जाए, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए, लेवरेज अपॉन फॉरेन अलायंसेज, विदेशों से भी सपोर्ट लेने की कोशिश की जाए, इन ऑर्डर टू रिवोल्यूशनाइज एंड ब्रिंग मोर एंड मोर इनोवेटिव आइडियाज इन पावर सेक्टर. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर टी हार्वेस्ट. छोटा सा टॉपिक है, सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है आंसर राइटिंग में, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ. इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव, एसए परस्पेक्टिव, आसाम इशूज परस्पेक्टिव. छोटा सा न्यूज है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. टोकलाई टी रिसर्च एसोसिएशन टू टेस्ट रोबोटिक टी हार्वेस्टर सून. तो बेसिकली रोबोटिक टी प्लकर या हार्वेस्टर्स लाए जाएंगे जो टी प्लकिंग का काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड. अब आप जरा सोचिए, टी सेक्टर जो है वो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. अबाउट 17% ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ आसाम आर एम्प्लॉयड एज टी प्लकर इन आसाम. अभी अगर धीरे धीरे उसमें भी अगर AI का एप्लीकेशन किया जाए तो दैट विल लीड टू मोर एंड मोर अनएम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कभी भी आप जब निगेटिव्स लिखते हैं, पॉजिटिव तो कई सारे, निगेटिव्स जब आप लिखते हैं तो सबसे बड़ा एक चैलेंज आप क्या बताते हैं जी, इट विल लीड टू
job cuts and unemployment, and there you can give more relatable and nearer examples. तो एपीएससी का जब आप पेपर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि टी प्लकर आसाम के अंदर 17% एंड नाउ दे आर ऑल्सो एआई इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड आज टी प्लकर और हार्वेस्टर दैट विल लीड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन आसाम इन फ्यूचर. तो इससे आप बेहतर मार्क्स फेच कर सकते हैं. गोल्डीलॉक जोन इन जनरल क्या होता है जी? लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एंड ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.